आंटी, आई विल टेक। ये हमेशा तुम्हारी बहुत बात करता था तो मुझे लगा चलो तुमसे आज मिल ही लेते हैं। तो शर्मा क्यों रही हो मम्मी, आप ना इसके लिए वो बाल्टी में चाय लेके आओ, इतने छोटे मोटे कप से इसका कुछ नहीं होगा। कुणाल प्लीज। अरे ये तो हर टाइम मजाक करता रहता है। और बताओ बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जी आंटी, मॉम डैड गुड़गांव रहते हैं और मुझे जॉब की वजह से नोएडा रहना पड़ रहा है। मॉम हाउसवाइफ है एंड डैड सर्जन। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बेटा बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। हाँ जी आंटी बिल्कुल। कुणाल कह रहा था तुम उसके ऑफिस में सीनियर हो, फिर मतलब तुमने अभी तक शादी की नहीं या फिर? इट्स ओके, आई गेट दिस अ लॉट। नहीं आंटी, मैंने शादी अभी तक इसलिए नहीं करी क्योंकि कोई पसंद नहीं आया। अच्छा, वैसे तो शादी ब्याह टाइम से हो जाए तो ही अच्छा रहता है, अब बाकी सब तो भगवान की मर्जी है। वैसे हमने तो अपनी रुचि की शादी 25 साल की उम्र में ही कर दी थी। एक बार शादी की उम्र निकल जाए ना तो अच्छे लड़के भी नहीं मिलते। जी अच्छा कुणाल, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है एक्चुअली। वेट, आई विल ड्रॉप यू। नो नो, यू रिलैक्स। नमस्ते आंटी। नहीं आंटी। पूजा, पूजा। I knew it was a bad idea. I'm really sorry, but please give me some time. क्या था ये सब? ये तो मुझसे पूछ रहा है। और किससे पूछ रहा हूँ माँ, ये बताओ ना कि इतना रूड होने की क्या जरूरत थी उसके साथ? देख कुणाल, बचपन से लेके आज तक ना मैंने तेरी हर बात मानी है, लेकिन वो लड़की इस घर की बहू मेरे जीते जी तो नहीं बनेगी। माँ पहली बात तो हम अभी शादी का प्लान भी नहीं कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे तो पूजा में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या कुणाल? तेरी बड़ी बहन लग रही है, कितनी बड़ी एज में बता मुझे? होगी यही 4-5 साल बड़ी, व्हाट्स द बिग डील? बहस मत कर कुणाल, वो लड़की तुझे सिर्फ फंसा रही है और कुछ नहीं। हद है आपकी माँ, हद है। Listen, listen. Why aren't you taking my call there? Why aren't you talking to me? I'm sorry about that day. Na, bola. Sorry, it's not going to fix anything. अरे I know तुम्हारे लिए uncomfortable था, पर मेरे लिए भी उतना ही uncomfortable था। नहीं कुणाल, तुम क्या दुनिया का कोई भी लड़का समझ ही नहीं सकता जो हम लड़कियों को face करना पड़ता है। At least I'm not giving up on us, right? I'm trying to find a solution. Listen, there is no solution. The society that we are living in, यहाँ लड़का लड़की से 6, 7, या 10 साल भी बड़ा हो सकता है। लेकिन लड़की अगर लड़के से 2 या 3 साल भी बड़ी है तो इट्स प्रॉब्लमैटिक। व्हाट डू यू वांट नाउ? आई वांट फॉर अस टू टेक अ ब्रेक। मम्मा। आ रही बेटे, बस 2 मिनट। मम्मा मेरे आते ही किचन में घुस जाते हो आप। बेटी इतनी दूर से आई है, थोड़ी देर बात भी कर लो। तेरे फेवरेट समोसे बनाए हैं, खा के बता कैसे बने हैं। कुणाल नहीं आया वैसे? आ रहा होगा अभी, तू खा। ओह हाय, स्पीक ऑफ द डेविल। आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तू कैसा है? कुणाल, आई नो दिस इज अ टफ टाइम फॉर यू, मम्मा ने बताया मुझे। I know मुश्किल है इस टाइम, but we all are there for you. कोई साथ नहीं देता दीदी, और अपने लोग जब ना समझे तो बहुत बुरा लगता है। कुणाल, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अगर लड़की के घर वाले नहीं माने तो हम क्या? घर वाले? उसके घर वालों तक तो बात ही नहीं पहुंची, क्यों बताया नहीं आपने? हाँ मम्मा ने बताया दैट यू गाइस ब्रोक अप क्योंकि लड़की के घर वाले नहीं मान रहे थे। सब कुछ बता दिया आपको मम्मी ने, बट ये नहीं बताया कि घर वाले और कोई नहीं, मम्मी खुद हैं। मतलब? बोलो अब चुप क्यों, बताओ ना। हाँ मुझे दिक्कत है उस रिश्ते से, तो कुछ सोच के देख, 4-5 साल बड़ी है लड़की इससे, बड़ी बहन लगती है इसके सामने। तो मम्मा आपने मुझसे झूठ बोला कि लड़की? हाँ बोला झूठ, क्योंकि तुम आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते। मॉडर्न बातें कर लेने से ना
जो समाज का सच है वो नहीं बदलता। ये सब क्या बातें लेकर बैठ गई हो आप? और ये एज डिफरेंस की बात कहाँ से आ गई? आपने भी तो मेरी शादी अर्जुन से करवाई है ना, मुझसे 6-7 साल बड़ा है वो। शादी में लड़के की उम्र बड़ा होना चल जाता है बेटा, पर लड़की की नहीं। आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बस करो यार माँ, बहुत हो गया आपका। क्या प्रॉब्लम है लोगों की? जब देखो लड़कियों को नीचा दिखाना, उनके बारे में कुछ भी बोलना। पसंद है यार मुझे पूजा, मैंने सोचा था आप एक्सेप्ट करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे, बट आप तो। मम्मा, तब की बात कुछ और थी, जब लड़कियों की शादी उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए करा दी जाती थी। आजकल की लड़कियां पहले खुद को काबिल बनाती हैं और उसके बाद जाके शादी के बारे में सोचती हैं। इनफैक्ट हर लड़की को यही करना चाहिए, अनलाइक मी जिसे कभी खुद के लिए कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी शादी करवा दी और घर बिठा दिया गया। लेकिन तू तो खुश है ना बेटा? क्या खुशी मम्मी, मेरी खुद की लाइफ क्या है, मेरी खुद की पहचान क्या है। और मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रही क्योंकि उस समय नहीं समझती इतनी, लेकिन प्लीज दोबारा ये गलती रिपीट मत करो। मैं अगर मान भी जाऊं तो समाज का क्या? मम्मा, आपको अपने बेटे की खुशी से मतलब है या समाज की, ये बताओ आप मुझे। कुणाल, पूजा का फोन नंबर देना। अब कोई फायदा नहीं है, वो बात नहीं करेगी। तेरे से नहीं करेगी ना, मुझसे तो करेगी ना बात। देख, गलती मैंने की है तो मैं ही संभालूंगी। पूजा से बात करके उससे माफी मांग लूंगी। सच्ची? हाँ, तू खुश तो मैं खुश। खुश? हाय एवरीवन, वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया। हमें ये भी पता है कि आप दिवाली पे बहुत बिजी रहे होंगे एंड आपने शायद हमारी दिवाली वाली वीडियो नहीं देखी होगी, तो उस पे जाके आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी और आपको आज का वीडियो यानी ये कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर करिए प्लीज। टिल देन सब्सक्राइब टू लाइफ तक। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।